वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई परीक्षा दें लोग, एक परीक्षा में कोई बाहर नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन परीक्षा में जो काबिलियत है उसको शो करें, एक चांस, दो चांस, तीन चांस, ऑफलाइन है नहीं तो फ्री, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन भी देंगे, परीक्षा से भागना नहीं चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में नियोजित शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा को लेकर अब जो है वो सवाल जवाब होने शुरू हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सक्षमता परीक्षा हालांकि अभी चला है, यानी कि जो अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो सक्षमता परीक्षा दे करके बाहर भी निकल रहे हैं। इसके पहले में बिहार की राजनीति शिक्षकों को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई थी कि नियोजित शिक्षक को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके पहले आज परीक्षा होने के सुबह सुबह में जब नियोजित शिक्षक परीक्षा देने जा रहे थे तो उनके जूते, मोजे, स्वेटर, जैकेट, जो महिला शिक्षिकाएं थीं उनके गहने, तमाम चीज़ें उतरवा ली जा रही थी, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी देखने को मिली है। सक्षमता परीक्षा और नियोजित शिक्षकों को ये राज्यकर्मी दिए जाने को लेकर आप सबको पता है कि सम्राट चौधरी से भी जाकर सभी नियोजित शिक्षक ने मुलाकात की। सम्राट चौधरी ने आश्वासन भी दिया था, हालांकि ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। अब इस विषय पर जब जीतन राम मांझी से प्रश्न पूछा गया है तो उन्होंने शिक्षकों के जो राज्यकर्मी के दर्जा हैं उसके साथ साथ जो सक्षमता परीक्षा में शिक्षकों के साथ जो स्थितियाँ की गई हैं उस पर उन्होंने अपनी राय रखी है। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनिए। नई सरकार में है, क्या कुछ उम्मीद उन्हें मिल पाएगा आपसे? देखिए, ये एक ऐसा विषय है जिस पर कि हमारे सरकार का स्टैंड है। जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं ये सम्राट जी, वो बार बार बोल रहे हैं कि भाई परीक्षा दें लोग, एक परीक्षा में कोई बाहर नहीं निकाले जाएंगे, लेकिन परीक्षा में जो काबिलियत है उसको शो करें, एक चांस, दो चांस, तीन चांस, ऑफलाइन है नहीं तो फ्री, ऑनलाइन है तो ऑफलाइन भी देंगे। हमारा कहना है कि हमारे शिक्षकों को परीक्षा से भागना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात जो हम देख रहे हैं, आज ही सुना, देखा हम फ्रॉडरेट के भी निकाला, तो जो बेचारे परीक्षा में आ रहे हैं, ठंडा का समय है, जैकेट खोलना पड़ रहा है, जूता खोलना पड़ रहा है, पहचावा खोलना पड़ रहा है, ये या इनह्यूमन ऐसा लगता है। जूता में क्या रखा हुआ है कि उसको आप कहते हैं कि जूता पहन के नेता हो? महिलाएं हैं, अपना जैकेट खोल रही हैं, जा रही हैं, तो ये अमानवीय विचार व्यवहार लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना तो विश्वास करना ही चाहिए कि परीक्षा देने वाले हमारे मास्टर जो 18 वर्ष काम किया है, 20 वर्ष काम किया है, इतना तो मोरल उसमें है ही है, कुछ अपवाद छोड़ करके, तो कुछ लोगों के चलते सभी को आप प्रताड़ित कीजिएगा, ये कहाँ की बात है। इसलिए ये जो अभी परीक्षा का ट्यून है जो लिया जा रहा है, हम उससे मैंने ये नहीं रखते हैं, हमको लगता है कि साहब ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप परीक्षा लीजिए, हम शिक्षकों से भी कहते हैं कि परीक्षा से मत भागिए, और एक चीज उनका कहना ठीक है, उससे भी हम यह है कि आज कलेक्टर है या कमिश्नर बन गया है, उसको कहे तो IAS का परीक्षा देने के लिए, पास करेगा नहीं करेगा वो पास। इसी प्रकार से हमारे शिक्षक है, 18 वर्ष से पढ़ा रहा है, तो क्या समझते हैं कि उसको ऐसा BPSC के टर्म पर उससे लेती है परीक्षा लीजिएगा तो सक्षम होगा वो? लेकिन उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि शिक्षक वृंद हमारे हैं वो तैयार रहें, परीक्षा दें, लेकिन परीक्षा देने में जो ये सारी बातें हो रही है इसको हम लाइक नहीं करते। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।